हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है डिस्टेंस, और डिस्टेंस के बाद इस वीडियो में हम देखेंगे नेबरहुड एंड डिस्टेंस। ये दो टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, डिस्टेंस क्या होती है? हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन टू रियल नंबर्स ए एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी जो है उसका मैग्नीट्यूड। अगर ये पॉजिटिव है तो उसको हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन में लेंगे, अगर ये नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव लेंगे। यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए बी को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? इसको मोड ऑफ ए बी, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव लेनी है हमारे पास। यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, वो हमारे पास जो डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज होती है कि ए टू ए के बीच में डिफरेंस, यानी एक पॉइंट से उसी पॉइंट से के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो जीरो होती है। एंड डी ए बी अगर जीरो है तो ये इम्प्लाइज करता है कि ए जो है इक्वल टू बी है, क्योंकि ए माइनस बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए बराबर बी। एंड जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारे पास ट्रेंगुलर इनइक्वालिटी के नाम से भी जानी जाती है, ट्रेंगुलर इनइक्वालिटी होती है डी ए सी लेस देन इक्वल टू डी ए बी प्लस डी ए सी, तो डी बी सी, इस को किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले जो पढ़ी थी उसमें हमने ट्रेंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ी थी कि मोड ऑफ ए सॉरी मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। हम ये प्रॉपर्टी प्रीवियस वीडियो में, पिछली वीडियो जो पढ़ी थी हमने उसमें ये देखी थी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की हम यहाँ पे हेल्प लेंगे। तो डी ऑफ ए सी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, तो डी ऑफ ए सी बराबर किस तरह से डिनोट किया जा सकता है? ए माइनस सी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि तो बी को हमने माइनस किया और बी को ही प्लस किया, तो ये हो गया हमारे पास। अब चूंकि ये एक नंबर है, ये एक नंबर, तो इसको हमने एक को ए ले लिया, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, तो ये लेस देन इक्वल टू होगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया डी डिस्टेंस एंड ए बी प्लस डिस्टेंस एंड बी और सी, जो कि डिस्टेंस ऑफ ए सी। तो फ्रेंड्स, ये हमेशा ट्रेंगल इनइक्वालिटी और ये हमेशा होल्ड करती है, तो इस तरह से ट्रेंगल इनइक्वालिटी को भी प्रूफ किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेबरहुड एंड डिस्टेंस, नेबरहुड और डिस्टेंस। अब तो इसको समझते हैं। कंसिडर अ पॉइंट पी बिलोंग्स टू आर एंड अ नेबरहुड ऑफ पी इज गिवन बाई, पी बिलोंग्स टू आर है तो इस कंडीशन में इसका नेबरहुड जो है वो इस तरह से पी माइनस डेल पी प्लस डेल, जहाँ पे डेल जो है वो ग्रेटर देन जीरो नंबर होता है, वो इस तरह से गिवन दिया जा सकता है। इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर विच पी माइनस डेल इज लेस देन एक्स एंड, और एक्स जो है लेस देन है पी प्लस डेल, यानी एक्स की वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में है। और यहाँ पे क्लियरली अब इससे ये भी हम डिस्टेंस की हेल्प से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। पी माइनस डेल पी प्लस डेल जो है एक्स बिलोंग्स टू आर, इस तरह के सेट है जहाँ से एक्स और पी के बीच की डिस्टेंस जो है, एक्स जो पी से जो पॉइंट है उसकी उनकी डिस्टेंस जो है डेल से कम है, तो उसको इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं। या इसको हम ये भी कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड पी इज लेस देन डेल, तो नेबरहुड को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। नेबरहुड ऑफ, ये इसको हम नेबरहुड ऑफ डेल एक्स इस तरह से भी लिखते हैं, उसको इस तरह से अपनी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लिमिट्स, लिमिट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।